गुड मॉर्निंग क्लास थ्री टुडे वी विल डू लेसन सिक्सटीन यूनिट एट माय सिली सिस्टर ऑन पेज नंबर एटी वन माय सिली सिस्टर सिली मतलब प्यार से बोलते हैं ना बुद्धू पगली सिली प्यार से जिसको बोला जाता है सिली तो माय सिली सिस्टर मेरी प्यारी भोली भाली सी बहन start reading keep your finger point your finger mother your baby is silly she is so very childish तो ये बॉय है अपने बहन के लिए अपनी मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी आपकी बेटी है ना बिल्कुल सिली है बिल्कुल बचपन आया है इसके अंदर बिल्कुल बचकानी हरकतें करती है she does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars उसको ये डिफरेंस नहीं पता कि स्ट्रीट लाइट कौन सी है और आसमान के सितारे कौन से हैं इसको वो स्टार दिखाई देते हैं स्ट्रीट लाइट दोनों को सेम ही समझती है वेन वी प्ले विथ पेबल्स शी थिंग दे आर रियल फूड शी इवन ट्राइज टू पुट देम इन टू हर माउथ और हम छोटे छोटे पत्थरों से गुट्टे खेलते हैं तो उसको लगता है ये खाना है उनको मुंह में डालने की कोशिश करती है when i open a book before her and ask her to learn her abc she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing जब मैं बुक उसके सामने खोल के रखता हूँ और उसको ए बी सी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो अपने हाथों से बुक के पेजेस टैर कर देती है फाड़ देती है और रोड्स विद जॉय और ज़ोर जोर से खुशी के मारे हंसने लगती है कुछ तो हुआ नहीं और ज़ोर जोर से हंसने लग जाती है दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स ये तरीका है आपकी बेटी का पढ़ाई करने का मम्मी से पूछ रहा है ये बच्चा लुक एट यू हैव एन अपोस्ट्रफी बेबीज बेबी का तरीका वे और लेसन्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्के स्टैंडिंग लाइन एंड फुल स्टॉप सो लेसन्स करने का क्या ये तरीका है सो यू हैव टू रीड इट विथ अट ऑफ इमोशन एंड एक्सप्रेशन नेक्स्ट पेज वेन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड हर और कॉल हर नॉटी शी लाव्स एंड इट्स ग्रेट फन जब मैं सर हिलाता हूँ गुस्से में और उसको स्कोल्डिंग करता हूँ डांटता हूँ और कॉल हर नॉटी उसको कहता हूँ तो बहुत नॉटी है बदमाश है वो हंसती है शी लाफ्स एंड शी थिंग्स इट ग्रेट फन उसको लगता है तो बड़े मजे की बात हो रही है मैं डांट रहा हूँ और उसको हंसी आ रही है एवरीबडी नोज दैट फादर इज़ अवे बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंग्स दैट फादर इज नियर सब जानते हैं कि अपने पापा यहाँ नहीं है काम से बाहर रहते हैं लेकिन कभी कभी मैं मजाक में प्लेफुली फादर ऐसे पापा बुलाता हूँ तो फटाफट वो इधर उधर ढूंढती है एक्साइटमेंट में खुश हो के और सोचती है कि पापा पास में ही हैं Sometimes I hold a class with the donkeys that a fisherman brings to carry away the dirty clothes. I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise. Kabhi kabhi, wo jo donkeys aate hain na, जो हमारा वॉशरमैन धोबी लेके आता है डॉटी क्लोथ्स ले जाने के लिए डोंकी को लेके आता है कभी कभी मैं उसकी क्लास ले लेता हूँ इसके साथ दोनों को एक साथ खड़ा करके डांटने लग जाता हूँ आई वॉन हर मैं उसको बोलता हूँ कि देख ऐसा समझ कि मैं स्कूल मास्टर हूँ मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम कोई आवाज़ मत करना जैसे बच्चे नहीं क्लास क्लास स्कूल स्कूल खेलते हैं घर घर खेलते हैं तो ये भी ऐसे खेल रहे हैं उसमें ये बॉय तो बन गया टीचर एंड दैट लिटिल गर्ल एंड द डोंकी आर द स्टूडेंट्स उनको स्टूडेंट्स बना दिया और उनकी क्लास ले रहा है और बोल रहा है कि कोई आवाज़ मत करो ओनली देन शी कीप्स क्वाइट आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा तभी जाके वो चुप होती है जब मैं बोलता हूँ मैं टीचर हूँ और ये क्लास है और अब तुम दोनों स्टूडेंट्स हो मैं तुम्हें पढ़ाई कराऊंगा तब वो चुप होती है आई इंसिस्ट इंसिस्ट मतलब मैं जोर देता हूँ इस बात पे कि वो मुझे दादा है कई जगह पे बड़े भैया को दादा बुलाया जाता है योर बेबी वॉन्ट टू कैच द मून शी इज रियली फनी आपका बेबी है ना ये छोटी ये मून पकड़ना चाहती है बहुत फनी है ये इसको देख के हंसी आती है मदर योर बेबी इज सिली शी इज सो वेरी चाइल्डिश मम्मी आपकी बेटी बिल्कुल बुद्धू है सिली है और कितनी बचकानी हरकतें करती है इसमें कितना बचपना है बाय रबींद्रनाथ टेगोर रबींद्रनाथ टेगोर बहुत अच्छा लिखते थे बंगाल के हैं और अगर आपको याद हो तो अपने स्कूल में रबिन्द्र टैगोर जी का पोट्रे भी लगा हुआ है उनका फोटोग्राफ लगा हुआ है है ना तो रविन्द्र नाथ टेगोर जी ने बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा है बहुत अच्छी स्टोरीज़ लिखी हैं लेकिन उन्होंने ज़्यादा काम बंगला में किया है बंगला लैंग्वेज बंगाल की भाषा है वेस्ट बंगाल की बंगला वो वहीं पैदा हुए वहीं पले बड़े तो उन्होंने बंगला भाषा में अपना काम किया है बाद में उनके वर्क के ट्रांसलेशन हुए मतलब उसको हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया चेंज किया गया ओके सो लेट्स रीड वंस अगेन माई सिली सिस्टम Mother, your baby is silly. She is so very childish. She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. This is your baby's way of doing her lessons. Next page. When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it's great fun. Everybody knows that father is away. But sometimes I call out father playfully. She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. I warn her that I am the schoolmaster. Warn matlab chetavni de tau me warning de And that she better not make any noise. Only then she keeps quiet. I insist that she should call me Dada. Your baby wants to catch the moon. She is really funny. Mother, your baby is silly. She is so very childish. So, a beautiful conversation. This is a conversation. You beta apni do बहन के बारे में आपके भी जिनके भी ब्रदर सिस्टर होते हैं आपको भी ऐसा ही महसूस होता होगा ना कि कैसे ये सुनते ही नहीं है ऐसे करते हैं वैसे करते हैं तो आप भी वैसे ही थे जब आप छोटे थे जैसे जैसे आप बड़े हो गए समझदार हो गए ना वैसे वो भी समझदार हो जाएंगे आप उनको सिखाना अब ब्यूटिफुल स्टोरी बाय रविंद्रनाथ टैगोर रीड इट थ्री टाइम्स थैंक यू